तूने ये अच्छा नहीं किया जया, खुदकुशी की धमकी देकर सर को बहुत बड़ी परेशानी में डाल दिया। बेचारे कल से घर में ताला लगा के गए हैं, कहीं तेरे डर से शहर छोड़ के ना भाग गए हो। अरे नहीं नहीं, वो देखो लगता है सर आ गए। मगर स्कूटर के बजाय टैक्सी में क्यों? अजय बाबू अचानक आओ कर ले। नमस्ते भाभी, हमको बताया तक नहीं। अजय बाबू, ये कैलकुलेशन आपने बहुत अच्छा जमाया, एक माली दो फूल। बधाई हो अजय। अरे क्या कर रही हो ये? अरे ठहरो तुम, रिवाज के मुताबिक जब नई दुल्हन घर में आती है उसकी आरती उतारी जाती है। रिवाज के हिसाब से लड़के वाले के रिश्तेदार आने वाली बहू को सोने के गहने भी पहनाते हैं। कौन करेगा इतने सारे रिवाज? मास्टर जी का अपना तो कोई है नहीं, लड़की पहले ही अनाथ है। मास्टर जी जल्दी में अनाथ आश्रम में शादी करके आ गए। बात जल्दबाजी अकेले होने की नहीं है मिश्रा जी, मैंने पहले से ही फैसला कर लिया था कि अगर मैं शादी करूंगा तो किसी अनाथ से। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, मगर रीत रिवाज निभाना भी तो जरूरी है। आज से हम अजय की पत्नी के रिश्तेदार। अजय बाबू, अरे पहले डिरामे विरामे लेते थे क्या? कब किसे घर में लाना है, कब किसे किसका किराएदार बनाना है, ये सुरताल का संगम आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वैसे मेरा कैलकुलेशन कुछ और कह रहा था, पर आपने तो कुछ और ही कर दिया। गुड इवनिंग सर, कंग्रेचुलेशन। तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर और कहाँ जाओ? वाह 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 वाह, इसे कहते हैं जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। किसी की पांच उंगलियां घी में होती है और कोई घी को तरस जाता है। पानीपुरी जी, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए, मैं जरा चाय भिजवाता हूँ। ए, ये क्या कर रही हो तुम? जाओ यहां से, जाओ। सुहागरात की सेज सजा रही हूँ ताकि आपको दूसरी बार याद रहे। दूसरी बार? दूसरी बार क्या याद रहे? जब मैं दुल्हन बनकर आऊंगी तो ये सेज खुद सजा कर रखिएगा। देखो जया, मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से इतनी जल्दबाजी में शादी की ताकि तुम्हारा भविष्य खराब न हो और तुम दोबारा स्कूल जा सको। आपने शादी किसी लिए भी की सर, मगर अच्छा किया। कम से कम इसी बहाने आपको थोड़ा एक्सपीरियंस तो मिल जाएगा। हमारे वक्त ये एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा। ज्यादा बकवास मत करो नहीं तो मैं जान से मार डालूंगा। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, आई एम अ मैरिड मैन। आप एक शादी तो क्या, सात शादी कर लीजिए, तब भी मैं आपकी आठवीं बीवी बनकर इस घर में आऊंगी। ये मेरा वादा है सर, दिस इज माय चैलेंज। सरस्वती, जल्दी से नाश्ता लाओ, बहुत भूख लगी है। ला रही हूँ। अरे ऐसा क्या बना रही हो जो इतनी देर कर रही हो? आज बहुत कुछ बनाया है मैंने, आलू के पराठे, हलवा, पूरी, छना। वाह वाह वाह, ये आपके लिए नहीं है। सिर्फ ऑमलेट मेरे लिए, बाकी सब किसके लिए? अपनी छोटी बहन के लिए। तुम्हारी छोटी बहन? वो कब पैदा हुई? अरे कल, जिसने मुझे बचाने के लिए अपना सर फुड़वा लिया था, वो जया। आप नाश्ता कीजिए, तब तक मैं उसे खिला कर आती हूँ। देख रही हो दादी माँ, धीरे धीरे वो लड़की मेरी बीवी से अपनी दोस्ती बढ़ा रही है। अब क्या करूं, इस लड़की को कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ आइडिया दो दादी माँ, कुछ आइडिया दो। अरे इतना क्या सोच रही हो दादी माँ, सोचने सोचने में तो तुम्हारे पोते का बसा बसा है घर उजड़ जाएगा। गुड मॉर्निंग अजय बाबू, बड़े हैंडसम दिखाई दे रहे हैं। क्या बात है शर्मा जी, आज बड़े अच्छे सुर में बात कर रहे हैं आप। वो क्या है, मेरे स्कूटर का पिछला टायर पंचर हो गया, इसलिए सोचा आज आपके साथ बैठ। ठहरिए, आपका पिछला टायर पंक्चर है लेकिन मेरी पिछली सीट पर सिर्फ औरत बैठ सकती है। कोई बात नहीं, मैं लिफ्ट के लिए औरत भी बन सकता हूँ। तुम ठहरो, मैं तुम्हारी भाभी की नायलॉन की साड़ी पहनकर आता हूँ। मैंने औरत की बात की है, छक्के की नहीं। हाँ, क्या मतलब? मतलब ये शर्मा जी कि मेरी पिछली सीट पर सिर्फ मेरी औरत बैठ सकती है, ओनली माई वाइफ। आप बस में क्यों नहीं बैठ कर जाते? बस, 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 मैं बस में बैठ कर जाऊँ या खड़ा होकर?
जाओ, मुझे आपके कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। मुझे भी पता है, एक रुपए का टिकट खर्च करूंगा तो बस में आराम से 10 औरतों के धक्के खाते हुए जाऊंगा। बड़ा स्कूटर वाले, रुकिए रुकिए, तो जया को साथ लेते जाइए, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, अस्पताल छोड़ दीजिएगा। सरस्वती मुझे वैसे ही देर हो रही है, ये ऑटो में बैठकर चली जाएगी। आप भी कमाल की बात करते हैं, अस्पताल रास्ते में ही तो है, छोड़ देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, अब ये कहाँ ऑटो ढूंढेगी। चल बैठ जाया, लो अब इधर उधर क्या देख रहे हैं, अब देर नहीं हो रही है, जाइए। टाटा टाटा। ए जरा ठीक से पकड़ के बैठ जा वरना गिर जाएगी। ठीक से बैठो, ठीक से बैठो। ठीक से ही तो बैठी हूँ। हाथ निकालो कमर से, हाथ निकालो। हाथ कैसे निकालूं, गिर जाऊंगी तो। ओह माय गॉड, रुकिए रुकिए, हम कहते हैं जरा रुकिए। अच्छे बाबू, इस रोमांटिक पोज में कैन यू गिव मी सम आइडिया, ये कौन है? वो क्या है? बस सवाल का जवाब दीजिए, कौन है ये? वो क्या हो गया आपको, आप मुझे नहीं जानते? मैं तुमको जानता हूँ जया, पर तुम इनको नहीं जानती। जानती हो अभी इन्होंने मुझसे क्या कहा? क्या कहा? यही कि स्कूटर की पिछली सीट पर ये सिर्फ अपनी पत्नी को बिठाते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये किसी और को नहीं बिठाते, ये इनका असूल है। अजय बाबू, अब आपका असूल क्या कहता है, जया आपकी पत्नी है या इसकी शक्ल देखकर आपने अपना असूल बदल दिया है? आप चुप क्यों है सर, जवाब दीजिए ना। तुम चुप रहो, देखिए शर्मा जी। बस वंडरफुल एक्टिंग बंद कीजिए, मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया है। वैसे हमारा कैलकुलेशन भी यही कहता है। जया मंगलसूत्र मुबारक हो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।